सॉरी 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 है, तीन तास लाइनी तुम्हारा उन पानी भर लो होता, सब पानी गिरा दिया है। जब देखो दम बचाते रहते हो, सुबह शाम ये बैंड बाजा बजा के चाली के नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। अरे जाऊ दे जाए काय जाऊ दे, आता पानी कोण भरेल माझा? ताई मी तुम्हाला दोन बाल्टी पाणी भरून देतो, पण तुम्ही आमच्या डान्सला नाव नका ठेवा। ए तुमचा डान्स सरला मी बंदच करून टाकेन। हा चल वर, तेरी आई को तेरा नाम बताती हूँ। अरे आई घरी नाही आहे, चेंबूरला गेली आहे। तरी पण तुला बघते बरोबर, चल तू। अरे ताई त्यांनी सांगितलं ना त्याची आई चेंबूरला गेली आहे। काय ना त्याची आई चेंबूरला गेली ना, पण उसकी नलिनी ताई तो है ना ऊपर। चल जा यहां से, सांगा ना दादी यहां से। हां नाटक करताय नुसतं, उधळ मचवून ठेवलंय, नाचताय गातायत, अख्खी चाल को परेशान करके रखा है। हाँ क्या समझते क्या तुम बच्चे खुद को? हाँ अरे आमची मुलं मोठी नाही का झाली, हमारे बच्चों ने ऐसे किसी को तंग नहीं किया। जब भी देखो नाच गाना, हाँ क्रिकेट फुटबॉल एक नंबर मवाली झाले। चल तू काय काय तुम्हाला समजत नाही, फक्त मस्ती करायची करते। कशी रे मुलं तुम्ही, काय सबने कसम खा के रखी है क्या मला परेशान करायची? माफ करना मी घाई काय? हाँ तुम सब घाई में हो, काम धंधा काही तो बोलत नाही। जा काही ऐकत नाही काय नाही, बस तकलीफ देना पूरे चाल वालों पर तंग करना, एक ही धंधा है तुम लोगों का। अभी चल तेरी आई नहीं है ना, अभी ना क्या डालो चल, नलिनी कोई तेरा नाम बताती हूँ, अच्छे से डांटेगी ना तभी अक्कल आएगी। अरे सोना ना, कभी तो अच्छे काम किया करो, बस तंग करो लोगों को, मस्ती करो। काचवाज तोड़ देना, फुटबॉल खेल के काच तोड़ना। अरे चट्टा भाई, अरे सगड़े सगड़े चल रहे कुठे? अरे सुनो तो, वो आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया वो। अभी ऐसे पड़ेगी ना तुझे? अरे अरे नंदी के घर पर ताला है। काय झालं? हाँ देखा, अब वो नहीं है करके तू बच गया समझे? अरे जाओ देना सुलभा, कशाला भांडते हैं, इसने बाल्टी गिरे तो क्या हो गया? एक तुम लोगों की वजह से ना चाल के सारे बच्चे बिगड़ गए। लेकिन नलिनी ने तो कभी दरवाजा बंद करके जाती नहीं, बाजी लेने जाती है ना तो उसको दरवाजा खुला होता है। ए, चल अंदर चल। अरे कहाँ है तू? अरे चल धान दे सर। ए बेटा तू एक काम कर, तू खाली जाऊन बा, हो सकता है संगीता के यहाँ चाय पीने गए हो। जा जा चाय खाली सारा काम कर जा। अच्छा वक्त होगा का? हाँ तो अरे क्या हो कह रहा है अपनी चाल में? चलो चलो जल्दी चाल को, क्या हुआ आप लोग चलते है ना, उसको कुछ लोग लाल गाड़ी में बिठा के लेके गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे लेकिन उसको तो खुद को कहीं जाने की जल्दी थी। हाँ सुलभा भाई बरोबर है, वो टैक्सी का इंतजार भी कर रहा था, कोशिश भी किया उसने टैक्सी रुकाने की, लेकिन एक लाल गाड़ी आई उसको जबर से गाड़ी में घुसा दिया, लेके गए उसको। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं ना। उनमें से कोई पहचान वाले थे? नहीं ना। पुलिस को बताया? नहीं, लगे सहाय लालो ना। कुणाल काका ते संगीता ताईंच्या घरी पण कुलूप लागलाय। अरे देवा, संगीता के दरवाजे को भी ताला है? हाँ कुठे गेला है सकाळी सकाळी दोघी जणी? अरे केतन तो पूछा क्या तुमको पता होगा कि संगीता कहाँ गई है? त्यांच्या घरी पण कुलूप है। अरे काय वेडा सारखं बडबड करतो, केतन काका कभी घर से बाहर निकलता है क्या? अरे काय चाललंय का आपल्या चालीत? कोई चपटा को उठा के लेके गया, तीन तीन दरवाजे को ताले लगे हुए है, बिना बताए सब कैसे जा सकते है? एक काम मम्मी संगीता ला फोन लावतो। लोको 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 अरे देवा संगीता का फोन बंद है। अरे केतन काका का फोन लगा, केतन लगा जल्दी। अरे देवा क्या दो घंटे फोन बंद है? अरे हाँ गुलाबड़ी चाली है ना, उसमें से भी एक एक करके ऐसे ही गायब होते थे। भाई बोलता का भाई नहीं। अरे अपने साले तो फिर टेंस होता है। ये तो फिर घुसते रहो रहे जो घर में अकेला रहते हैं, केतन काका नलिनी ताई संगीत ये भी तो अकेले थे। इसका मतलब है गुलाबड़ी चाल की तरह हमारा अंबावाड़ी चाल पे भी संकट आ गया है। अब हमें किसी की मदद लेनी है। किसकी? अरे वही जिसे हम सबकी वाकई में परवाह है, अभिमन्यु। अभिमन्यु बेटा बचा लिया तुमने बेटा, वरना मेरा घर तो गया था मेरे हाथ से, तुमने बिल्डर के गुंडों को भगा दिया बेटा, जीते रहो बेटा। बस बस काका, घर आपका था और आपको मिल गया, हर इंसान को हक है कि जिंदगी में सर उठा के शान से जिए। ये लो आपके घर के पेपर्स, अब छाती तान के घर के अंदर घुसना। बकुल दादा, बकुल दादा। कुणाल जी, सुलभा जी, क्या हुआ? फिर से पानी का प्रॉब्लम है क्या?
अरे पानी वानी की बात छोड़ दो, अब तो यह जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत? अभिमन्यु भाव अंदर है ना? हाँ साला। अभिमन्यु सर बहुत बड़ा खतरा आ गया इन चाली वालों के ऊपर। नमस्कार भाव। क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा रातों रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए हैं। रात को? हाँ, और एक छोटा बच्चा भी। आसपास देखा, फोन वोन किया किसी को? सगड़ी कड़े पायला भाव, फोन नहीं लग रहा है। अरे लेकिन ऐसे कैसे चले गए? कुछ बोल के गए कि नहीं? कुछ नहीं बोला भाव, रात को थे अपन सकाड़ी भक्त तो गायब। कौन कौन गायब हुआ? केतन काका और नलिनी दोनों अकेले रहते थे बेचारे। और कौन? हाँ भाव, वो संगीता ताई, उनका छोटा बेटा राहुल और चपटिया। अनी साहब इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फिर जहाँ कहाँ रहे ये लोग? ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबवाड़ी चौल में हो रहा था 2 महीने पहले। वहां पर भी लोग गायब हो रहे थे रात को, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। हाँ बरोबर भाव, बरोबर बोला तुमने। एक बूढ़े पति पत्नी थे और एक 55 साल की औरत थी, अकेली थी बेचारी, न जाने कहाँ चले गए, आज तक नहीं मिले। जा कहाँ रहे हैं लोग यार? जाएंगे कहाँ, थोड़ी तरी जबरदस्ती ने घेन जाते हैं तन्ना। पर जाते हुए दिख क्यों नहीं रहे, और रात को ही गायब हो रहे? अब बहुत हो गया, जीआईडी के पास हमें जाना ही पड़ेगा। बरोबर बोला तुम्हें। करे कितनी बार कहा है तुमसे कि ये पुरानी बाइक बेच दो और एक नई बाइक खरीद लो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं, अब भुगतो। डार्लिंग, हर पुरानी और खराब चीज बदली नहीं जाती। क्यों नहीं बदली जाती? लोग पुरानी टीवी बेचकर नई टीवी खरीद लेते हैं आजकल। ओह, तुम्हारा मतलब है कि पुरानी गर्लफ्रेंड के बदले में एक नई गर्लफ्रेंड? अगर ऐसा करने का ख्याल भी आया ना तुम्हारे जहन में तो सोचो तुम गए। हाँ हाँ समझ गया। मुझे 6 बजे से पहले घर पहुँचना है, वरना मम्मा और भैया तो। मुझे पता है यार। ओ नो, मॉम का ही फोन है, अब उनसे क्या कहूँ? तुम डरो मत, तुम एक काम करो, उधर जाकर बात करो, और अपनी मम्मी से ये जरूर बोलना कि तुम ट्रैफिक में फंस गई हो। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ बोलो माँ। नहीं नहीं अभी क्लास खत्म हुई है। हाँ हाँ मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊंगी, मुझे पता है क्या शीला मासी आने वाली है, मैं तब तक पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ये क्या, 1000 रुपए की नोट? लगता है यहाँ पैसों की खेती होती होगी। पीयू, बाइक स्टार्ट हो गई, जल्दी आओ। बाइक को गोली मारो, जल्दी यहाँ पे आओ। क्या हुआ? यहाँ पे पैसों की फसल हो रही है। हाँ आया। अरे रुक रुक रुक, वो देख खेत में पैसे पड़े। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये तो रहे। My God, इतने सारे पैसे। प्रिया ये सब गलत है, हम लोग चलते हैं यहाँ से। प्रिया इनका मालिक कहीं दिख रहा है तुम्हें आसपास? मगर ये गलत है प्रिया। ये भगवान की कृपा है हमारे लिए, उठाओ ना। प्रिया ऐसे नोट नहीं चाहिए हमें, ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें, रहने दो प्रिया, छोड़ो ये सब। प्रिया ये गलत है प्रिया, छोड़ो रहने दो प्रिया। ये क्या, औरत का हाथ? प्रिया क्या हुआ तुम्हें? प्रिया अरे बाप रे, ये तो लाश का चक्कर है। चल चल निकलते हैं, चल। अरे मेरी मदद तो करो तुम लोग, भाग क्यों रहे हैं तुम लोग, मेरी मदद तो करो कोई। रोहन? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है सर। सर ये रही उस औरत की लाश। अरे लाश के पास इतने सारे रुपए? सर ऐसा केस तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये सारे नोट इकट्ठे कर लो और लाश को देखो, जरा चेक करो। लेकिन तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे लाश है? सर दूर से पैसे देखे तो उसे इकट्ठा करते करते मैं आ गया ही। अगर मुझे पता होता यहाँ पे लाश है तो मैं कभी लालच नहीं करती। लेकिन इस हाईवे पे यहाँ सुनसान इलाके पे यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सर दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई और मैं इसे ठीक कर ही रहा था सर, इतने में देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। सर
हमारे मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे। माँ बाप से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। माँ बाप बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो सब कुछ समझते हैं। वो है ऐसा कभी मत करना। निखिल इनका एड्रेस वगैरह नोट कर लो जरा, फोन नंबर वगैरह। थैंक यू। राम जाना। थैंक यू सर। तो बैग और कपड़े देख के लगता है ये कोई मध्यम वर्गीय महिला है, इतने सारे रुपए इनके हो नहीं सकते। सर इतना तो पक्का है कि खूनी ने ये खून पैसों के लिए नहीं किया, वरना वो इतने सारे पैसे पीछे छोड़ के थोड़ी ना चला जाता। खूनी यहाँ इन्हें यहाँ घसीट के नहीं लाया, या जबरदस्ती नहीं करके लाया, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। सर ये कैसे पता लगाया आपने? निखिल इनके कपड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई है, मिट्टी सिर्फ चप्पल पे लगी है, ना कोई खरोच का निशान है। इससे साफ पता चलता है ये अपने आप यहाँ पे आई हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। सर ये इतने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे, जब ये घायल होकर यहाँ पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहाँ वहाँ गिर गए। दिव्या ये बैग चेक किया, कोई आईडी वगैरह मिली? नहीं सर, पर्स में एक छोटा पर्स है, उसमें खाली 600 रुपए हैं। सर बैग देख के लग रहा है कि साधारण सी मध्यम वर्गीय औरत है, वरना अमीर लोग ऐसे बैग ले नहीं चलते। ठीक कह रहे हैं, जब बॉडी पर सर चाकू मार के खून किया है। नहीं फेरी, चाकू का घाव नहीं है, चाकू का घाव सीधा होता है, ये घाव तो यहाँ से यहाँ तक घुमावदार है, किसी घुमावदार हथियार से मारा गया है। घुमावदार जख्म? सर पैसों की गिनती हो गई है, पूरे 830,000 है सर। 830,000 रुपए? सर आजकल के जमाने में कोई 8 रुपए नहीं छोड़ के जाता, ये खूनी तो पूरे 830,000 रुपए छोड़ के चला गया। हो सकता है फ्रेडी ये खूनी पैसे उठाने वाला हो, उसी समय किसी ने देख लिया, भाग गया यहाँ से पैसे छोड़ के। लेकिन फ्रेडी ये निशान, ये किस घुमावदार हथियार से मारा गया होगा इसे? सर शायद घुमावदार चाकू से। घुमावदार चाकू? कोयता? घुमावदार हथियार कोयता? ये आसपास गांव वाले भी तो यहाँ पे कोयता से ही घास काटते होंगे ना। कोयता, अब इस केस की अगली कड़ी कोयता है, ये कोयता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सात सात लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा है, और फिर भी अंबावड़ी चाल और गुलाबवाड़ी चाल के लोगों को ध्यान में नहीं आया। सर ध्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मगर अभिमन्यु 2 महीनों बाद? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौल वालों पर कितना प्रेशर है। लालबाग, गिरगांव, वर्ली, ये सारे जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, जहाँ पे मिल वर्कर रहते थे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स देखेंगे। हाँ वैसे भी जगह बची नहीं है, जितनी चौल बची है वो भी जाएंगे। यही तो रोना है सर, मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ कि फटाफट अपने चौल मत बेचो, जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता है तब तक उसी में रहो। मगर रीडेवलपमेंट को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन सर चौल वालों की पहचान भी तो उस चौल से, तो परेर और लालबाग के कल्चर का क्या होगा? सर लोग दूर दूर जाके रह रहे हैं, बोईसर और विरार के भी आगे। सर आप मुझे बताइए, मुंबई में एक कमरे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपया, और अगर रीडेवलपमेंट के पहले ये लोग अपना चौल बेच देंगे तो कहाँ से मिलेंगे 1 करोड़ रुपये में? वैसे अभिमन्यु ये 7 लोग जो गायब हुए हैं, क्या उन्होंने अपने घर बेच दिए? सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता? एक भी आदमी नहीं आया सर। सर कुछ हो गया है, किसी ने इन्हें कुछ कर दिया है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे अभिमन्यु ये 7 लोग ये जो गायब हुए हैं, उनके डिटेल्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फाइल में फोटो भी है, ये देखिए सर, ये केतन भाई, ये अंबावाड़ी चौल में रहते हैं, ये विट्ठल सेठ हैं, ये गुलाबवाड़ी चौल में रहते हैं, ये चचड़ है, ये चप्पे आया, आज ही इसे गायब किया है, और ये संगीता और उसका बच्चा, ये भी आज ही गायब हुए हैं, और ये है नलिनी ताई। एक मिनट, ये नलिनी है? हाँ सर, आप जानते हैं ना? हाँ अभिमन्यु, इनकी लाश मिली है हमें पनवेल से, एक खेत में थी लाश। लाश? हाँ लाश, और उस लाश के साथ साथ 830,000 रुपये भी मिले वहाँ पर। सर 8 लाख रुपए? हाँ सर, 8 लाख रुपए कैसे हैं इनके पास? क्यों? दिन रात चक्कर काटती थी ये पेंशन ऑफिस के लिए, 1-1 रुपए के लिए सर, इसके पति के पेंशन के लिए, इतने पैसे नहीं आ सकते इनके पास। हो सकता है उन्होंने अपना घर बेच दिया हो और वो पैसे उसी के हो। इसको बेचा होगा? नहीं नहीं श्रेया, ऐसे चाल में अगर कमरा हो तो चाल मालिक के पूछे बगैर कोई बेच नहीं सकता उसे।
वैसे ये दोनों जो चाले हैं गुलाबवाड़ी और अंबावाड़ी, दोनों के मालिक कौन है? सर बप्पन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक, और हम दोनों से पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है किसने मारा होगा नरनीत भाई को। सभी किसान कोयते से ही घास काट रहे सर, शायद खून इन्हीं में से किसी ने किया है। जरा बुलाओ इन सबको। अरे सुनो भाई साहब, आइए आइए जरा एक मिनट आइए। अरे आप आइए। क्या बात है साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जरा अपना कोयता दिखाना। ये तुम्हारा कोयता है? हाँ साहब। तुम दिखाना। कब से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हैं साहब। नहीं नहीं आज कितने बजे से काम कर रहे हो? सुबह 6:30 बजे से काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से? बीच में कहीं गए नहीं? नहीं साहब। चाय वाय पीने? नहीं नहीं साहब। तुम देखो। आप लोग कौन हैं साहब, हमारे कोयते क्यों देख रहे हैं? भाई हम लोग CID से हैं। CID? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही CID होती है। समझ में आया? पुलिस जी, जी। तुम देखा, सब लोग यहीं पे है ना, कोई गया था नहीं? हाँ साहब, सब लोग इधर ही है। तो हाँ दिखा, ये वाला तुम दिखा जरा। ये तुम्हारा कोयता इन बाकी लोगों के कोयते से अलग कैसे? ये मेरा कोयता नहीं है साहब। तुम्हारा नहीं है? नहीं साहब। आप लोगों के पास जो कोयता है वो किसका है? आपका है? हाँ साहब, ये हमारा ही है। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसके पास खुद का कोयता ना हो? नहीं साहब। तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोयता क्यों नहीं है? मेरा कोयता कॉन्ट्रेक्टर साहब लेके गए हैं, इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। कॉन्ट्रेक्टर साहब? कब ले गए? कल रात को, बोला था सुबह का लौटा दूंगा, लेकिन आज वो काम पर आ ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर का? चंद्रू। चंद्रू कॉन्ट्रैक्टर। तुम सो रहे हो? तभी वाले? जी सर। चलो सचिन, ये नलिनी का कमरा नंबर क्या है? 63 सर। ये बिन बुलाई बारात कौन है? 63। हाँ वो सही है। ओ मंदोई किधर? ये कमरा नंबर 63 कहाँ है? सचिन जाओ। देखिए आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, हम लोग अभी इनोलिन जी का कमरा चेक करने आए हैं। एक मिनट सर, आप SCP प्रद्युमन है ना? सर मैं तुम्हारा वर्तमान पत्र नेमी बकता हूँ। वो पंखों क्या होता है? फैन। हाँ सर मैं बड़ा फैन हूँ आपका। अरे तेरा उधर है सर, वो हमारे नलिनी का कुछ पता चला? देखिए एक बुरी खबर है, नलिनी की मौत हुई है। नलिनी की मौत हो गई? जी उनका खून हो गया है। खून खून हो गया? नलिनी दाई। एक मिनट, ताले को हाथ लगाने से पहले एक ग्लव्स पहन लो। इसकी क्या जरूरत है सर, मुझे सर्दी थोड़ी लग रही है। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये दस्ताने ठंड से बचने के लिए नहीं बल्कि इसलिए पहने जाते ताकि CID के सुराग नष्ट ना हो। आया समझ में? वैसे समझ में तो नहीं आया साहब, पर आप इतना कह रहे हैं तो पहन लेता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हो गया? वही पता लगाने को हम लोग आए हैं, लेकिन एक बात है कि नलिनी की लाश हमें पनवेल के खेत में मिली। पनवेल में? वहाँ पर तो उनका कोई नहीं रहता, वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ सर, नलिनी का पनवेल में कोई भी नहीं। नलिनी का ये तो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबको चौल में मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, नलिनी को आखिरी बार कब देखा था किसी ने? मैंने। कब? रात को मैं उसके पास साखर उधार मांगने गई थी, लेकिन सुबह देखा तो उसके दरवाजे को ताला था। मतलब कल रात को नलिनी अपने कमरे में थी जब आप शक्कर मांगने गई थी? जरूर नलिनी गायब हुई होगी देर रात को या फिर बहुत जल्दी।
खुल गया सर। ठीक है, इनकी पेमेंट कर दो। यस सर। किसी ने कुछ भी नहीं सुना नलिनी के कमरे में से कोई आवाजें या नलिनी को देखा ही नहीं किसी ने? हाँ सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग चार वाला इकट्ठा मिलकर उसकी नलिनी की मदद करते सर। मुझे तो संगीता और केतन काके की फिक्र हो रही है, उन लोग दोनों भी अकेले रहते थे और अब गायब हो गए उन लोग भी। तो क्या संगीता और केतन काका वो भी अकेले रहते थे? हाँ, संगीता उसके बेटे राहुल के साथ यहाँ पे अकेली रहती थी, उसका बेटा 6 साल का था। बेटे के साथ रहती थी? ये अभिमन्यु भी तो बता रहा था ना कि गुलाबड़ी चाल में भी कोई ऐसा ही हादसा हुआ, लोगों की गायब होने। यस सर। क्या नलिनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं सर, हम सारे चाल वाले हैं ना, हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहते हैं। सर इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये तीनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। ऐसे कैसे अपनी मर्जी से चले जाएंगे, वो भी दरवाजे को ताला लगा के? आज सुबह आपकी चाल में से ही कोई अगवा हो गया है ना, किसी की किडनैपिंग हुई है? हाँ सर, मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। चपटिया सर एक बात और, क्या चपटियाला सगड़ भी पाला होता? शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था वो। तो क्या चपटिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? हाँ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? ये तो मालूम नहीं, क्योंकि वो दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता सर। यहाँ है लाइट, इस कमरे को अच्छी तरह से छान लो। जी सर। घर की हालत देख के लगता नहीं कि नलिनी जी के पास ज्यादा पैसे थे। एक बात और, नलिनी की लाश के पास से हमें 8,30,000 रुपए मिले। 8,30,000? जी हाँ, 8,30,000। पर वो पैसे उसके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिचारी खुद सबसे उधारी उधारी मांग के ही अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। देख के लगता है कि काफी समय से चले पड़ेंगे। लेकिन ये आलू काले कैसे पड़ गए? बड़ी काटने के बाद जब आलू ऐसे रख दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये काले पड़ जाते हैं, इसीलिए आलू काटने के बाद ठंडे पानी में रखे जाते हैं। अरे वाह, तो ये है अकेले रहने का फायदा। लगता है आपको रसोई का अच्छा खासा ज्ञान है। खून किसका? या तो नलिनी जी का या फिर उनके खूनी का। सर, नलिनी जी के यहां से ये चाकू मिला है सर। सचिन, इस पर तो खून लगा हुआ है, क्या कमरे के अंदर भी खून के डब्बे हैं? नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खून के डब्बे नहीं मिले, सिर्फ ये चाकू गिरा पड़ा था वहाँ पे। सर शायद नलिनी जी को घर से बाहर ले जाया गया, उस वक्त वो आलू काट रही होगी इसी चाकू से। हाँ, पर नलिनी की बॉडी पर से तो कोई चाकू के घाव के निशान नहीं मिले, फिर ये खून कैसा? नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार तो नहीं किया? सर इन सब की तलाशी लें क्या? सर हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के घाव का निशान हो। आप लोग हम पर शक करना चाहते हैं? एक मिनट, आप लोगों ने तो कहा ना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता चाल में, कोई आया ही नहीं ना कोई गया यहाँ से, बस इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं। सुल बताई, ठीक ही तो कह रहे हैं सियाड़े वाले। सर हम सब चाल करे आपके साथ में है। सर हमें नहीं पता, संगीता को ढूंढ निकालिए, कहीं वो भी नलिनी की तरह। सर आपने बताया कि संगीता का कोई बेटा भी है ना? हाँ सर, राहुल। राहुल, ये राहुल कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या बता सकती हैं आप? बस
इस चाकू पर नलिनी का खून नहीं है। तो फिर किसका? इस चाकू पर किसी 25-30 साल के लड़के का खून है। तो मगर इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान है वो नलिनी के ही है। फिर हमारा शक सही निकला। अगर ये खून नलिनी का नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल किया है, वार करने के लिए, मुजरिम पर वार करने के लिए। मगर सर, चौल में जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया हमने, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे चाकू की चोट का कोई निशान नहीं था। यानी सर, ये काम किसी चौल के बाहर वाले का है? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये काम किसी बाहर वाले का है। ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, अंबावाड़ी चाल में रहने वाले का ही है, जब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है। बस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। खरबूजा, ये खरबूजा उस ताले की चाबी है जो आपको मुजरिम के ताले को खोलने में मदद करेगी। सर वो कैसे? Excuse me. सॉरी, मान लो मैं नलिनी हूं और ये वो चाकू है जिससे नलिनी ने उस हमलावर पे हमला किया, और ये है वो हमलावर, वो मुझे। जिस तरीके से इस चाकू पर इस खरबूजे के कुछ अंश आ गए हैं, ठीक उसी तरह से इस चाकू पर उस हमलावर की चमड़ी के कुछ अंश आ गए। बॉस, उस चमड़ी पे मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है, डर्मेटोफ्यूसिनाबाइड। सर, इस केमिकल का इस्तेमाल अक्सर आर्ट्स एंड क्राफ्ट और कार्पेंट्री में किया जाता है। अच्छा, अब समझ में आया कि अंबावाड़ी चाल में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के घाव का निशान क्यों नहीं। क्यों सर? सचिन, चपट्या हाँ, चपट्या याद है? अंबावाड़ी चाल में रहने वाले फाल्गुनिया में क्या बताया कि वो और उसका दोस्त चपट्या, ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपट्या और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। और चपट्या अगवा हो चुका है। सर, ये गुत्थी तो और भी उलझ गई, मुजरिम खुद ही अगवा हो गया। अब पता लगाना ये है सचिन कि क्या चपट्या अगवा हुआ है या इस चपट्या ने अपने आप को अगवा करवा लिया है। प्रिंसिपल मैडम, आप बता क्यों नहीं रही हैं कि सीआरडी हम उससे मिलने क्यों आ रही है? प्रभात, मुझे भी नहीं मालूम, ऑफिसर अभिजीत ने कहा है कि वो यहाँ आने के बाद ही बताएंगे। मैडम, मैंने सुना है सीआरडी का चक्कर बहुत ही खराब होता है, अगर कोई आदमी उसमें फंस गया तो फिर हो गया चक्कर। ठीक सुना है आप लोगों ने, और सीआरडी के जाल में वही फंसता है जिसने कोई गुनाह किया हो। हेलो सर, मैं अंजलि इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और ये है जान पहचान तो होती रहेगी, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्कूल में एक राहुल कुमार नाम का लड़का पढ़ता है, शायद पहली क्लास में। राहुल कुमार? जी हाँ, वो अंबावाड़ी में रहता है अपनी माँ संगीता के साथ। हेमंत, रिकॉर्ड चेक करो जल्दी। जी। मैडम, मुझे प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आप लोगों को चाय ठंडा वगैरह? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर, यहाँ दो राहुल कुमार है, एक नाइन्थ क्लास में और एक पहली क्लास में। ये पहली क्लास वाला दिखाइए सर। जी, ये देखिए सर। अरे हाँ सर, यही तो है वो राहुल कुमार, माँ का नाम संगीता और पता है अंबावाड़ी। ये रेड मार्क क्यों लगा हुआ है, लाल निशान? सर, ये लाल निशान उन्हीं बच्चों के नाम पे लगाए जाते हैं जो स्कूल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बीच में स्कूल छोड़ गए? लेकिन ये राहुल, इसने स्कूल बीच में क्यों छोड़ा? सर, वो प्रभात सर को जरूर मालूम होगा, राहुल की मम्मी संगीता उनकी मुंह बोली बहन है। ये प्रभात सर कौन है? वही जो पानी पीने बाहर गए हैं। एक मिनट, पानी पीने जो गया? पानी पीने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगा दी? चलो देखते हैं।
क्या बात है प्रभात जी, स्कूल का सारा पानी खत्म हो गया क्या जो पानी पीने बाहर जा रहे हैं? आइए हमारे साथ, बातें करनी है आपसे। हो गई ओलंपिक की तैयारी है? सर मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो फिर राहुल और संगीता का नाम सुनकर भागा क्यों? और संगीता तो तुम्हारी मुंबोली बहन है ना? हाँ सर, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी तरह की मुसीबत में फंसे। ये आईडी लोगों को मुसीबत में फंसाती नहीं है बल्कि मुसीबत से बाहर निकालती है। बताओ संगीता और राहुल कहाँ है? नहीं बताऊंगा, वैसे भी बेचारी वो बहुत तकलीफ देख चुकी है। नहीं बताऊंगा, नहीं सर, मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है सर, मुझे चक्कर आ रहा है सर, मैं नीचे गिर रहा हूँ। नीचे मत देखो, ऊपर आओ, खींचो, 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 माफ कीजिए सर, मैंने आप लोगों को धक्का मारा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अगर वाकई में शुक्रिया कहना है तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके सही सही जवाब दो। सच जानना है मुझे, पूरा सच, क्या है सबके पीछे? एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता। राहुल की परवरिश करने के लिए संगीता को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपने चाल वाली खोली बेचने की सोची। क्या, संगीता ने अपनी चाल वाली खोली बेच दी? हाँ, मगर उससे उसका सपना साकार नहीं हुआ, उल्टा वो मुसीबत के दलदल में और फंसती चली गई। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। मैंने संगीता को सुरेश नाम के एजेंट से मिलवाया जो घरों का सौदा करवाता है। संगीता के घर की कीमत 50 लाख रुपए में डील हुई, संगीता बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ संगीता, तुम अचानक आ जाए स्कूल में? 50 लाख में बेची थी मैंने अपनी चॉल और मुझे क्या मिला? 5 लाख। बाकी के 45 लाख में से तुम्हें कितने मिले भैया? क्या करें, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले। अरे तुमने कागज पर दस्तखत देख कर किया था ना? कागज तो तुमने भी तो देखे थे ना प्रभात भैया, अब देखो मुझे मेरे चॉल से निकालना चाहते हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते, हम पुलिस के पास जाएंगे। बंद करो ये नाटक भैया, तुमने मिलवा था ना मुझे उस ब्रोकर सुरेश से, ये सब तुम लोगों की मिली भगत है मुझे अपने घर से निकालने की। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं अभी सुरेश की खबर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है भैया, उसका फोन नहीं लग रहा और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि सुरेश अच्छा एजेंट है। अब बताओ मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? उन्होंने मेरे पीछे गुंडे लगाए, उन्होंने कहा कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली नहीं करूंगी तो वो। संगीता तुम इस मुसीबत में मेरी वजह से फंसी, मैं ही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मैंने उन दोनों को जीविका महिला आश्रम भिजवा दिया परेल में। जीविका महिला आश्रम? जी हाँ, प्लीज सर कुछ मदद कीजिए सर, संगीता के उसके घर की सही कीमत दिलवा दीजिए सर। मुझे तो लगता है नलिनी जी के खून में इस चंद्रू का ही हाथ है। 5 मिनट और सबर करो फ्रेडी, अभी सब पता चल जाएगा। तुम लोग यहीं रुको और चौकन्ने रहना, ओके? हम लोग अंदर जाते हैं। तेज, अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना था तो पहले ही बता देते ना, मैं इतनी मेहनत करके तैयार तो नहीं होती। अरे चलेंगे पार्टी में, आधा घंटा दो मुझे। कौन है आप लोग? CID? हाँ CID, और ये है चंद्रू। क्यों चंद्रू, तुम ही हो ना? जी हाँ चंद्रू यही है, और चंद्रू तुम्हें CID वाले को ढूंढ रहे हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा CID वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? नलिनी का फोन कर दिया और पूछ रहे मुझे कैसे मालूम है? खून, तेज तुमने खूनी को घर में बिठा रखा है। अरे
इसे अचानक क्या हो गया? चंदू सर, कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है? ए नौटंकी बाज, उठ जा, तुम्हारे नाटक का पर्दा गिर चुका है, उठ। चंदू बेड़ी, मामला गड़बड़ है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस? कोई फायदा नहीं फ्रेडी, he's dead. किसी ने जहर दे दिया इसे। जहर दे दिया? लेकिन सर ये अभी अभी तो ठीक था, हमें भगा रहा था सर। कोई ऐसा जहर है जिसने अचानक अपना सर दिखा दिया? अभी अभी कुछ खाया पिया होगा इसने। क्या है? चंद्रू मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा भला था। जहर का यही तो कमाल है मिस्टर तेज, अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी मिनटों में ऊपर पहुंच जाता है। इस कप में ही चाय पी थी ना चंद्रू ने? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस चाय में जहर था? लग तो यही रहा है। अच्छा भला आदमी यहाँ से बाहर भागा और वहां मर गया जहर से। जहर कहाँ से गया उसकी बॉडी में? आखिरी बार आप लोगों के साथ यहाँ बैठा था, चाय पी रहा था, तो जहर कहाँ से आएगा? हम लोग चंद्रू को क्यों मारेंगे, हम तो आज पहली बार उससे मिले थे। और आपने तो खुद ही कहा था ना कि चंद्रू एक मुजरिम है। किस किताब में लिखा है कि मुजरिम को मारना गुनाह नहीं? सर हमने किसी का खून नहीं किया, चाय तो मैंने भी पी है। ये लीजिए सर, आप पी के देखिए सर, इसमें कुछ नहीं है। मैं क्यों पीऊं? तुम पियो, तुम पी के दिखाओ। मैं आप पियो जी। लीजिए, अब तो खुश हैं आप लोग? मतलब सिर्फ उसी कप में जहर मिलाया गया जिस कप में चंद्रू ने चाय पी थी। किसने बनाई थी चाय? हमारे नौकर हीरा ने। सर, सर टॉक्सिन किट तैयार है। ठीक है, पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, देखो जहर के अंश कहीं मिलते हैं क्या, खासतौर पे किचन में। सर चलिए। तो हीरा जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? साहब 5 साल से। 5 साल, काफी टाइम हो गया, अच्छे खासे घुल मिल गए होंगे आप तो यहाँ पे। वैसे मालिक कैसे ट्रीट करते हैं आपको? साहब ये लोग तो मुझे अपने घर के सदस्य ऐसा ही समझते हैं। अच्छा, तो जब इन लोगों ने तुमसे कहा कि चंद्रू की चाय में जहर मिला दो तो तुम मना नहीं कर पाए? जहर? नहीं नहीं साहब, मैं तो जहर से बहुत डरता हूँ, पिछली बारिश में चूहे घर में आ गए थे, मैं तो उन्हें मारने के लिए जहर भी नहीं छिड़क पाया, इतना डर लगता है। तो तुमने नहीं मिलाया, फिर किसने मिलाया, आप लोगों ने? सर जब चाय बन रही थी तब तो हम लोग यहीं पे थे। सर, सर किचन में तो जहर का नामो निशान भी नहीं है। देखिए अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वैसे चंद्रू आपसे मिलने क्यों आया था? जी वो मैं उससे घास की बोरियां खरीदना चाहता था, और मेरे चाचा दर्शन सेठ उन्होंने कहा था कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। एक मिनट, क्या, क्या 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 नाम बताया? तेज। नहीं नहीं आपका नहीं, आपके चाचा का नाम क्या बताया? दर्शन सेठ। सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक। दर्शन सेठ? दर्शन सेठ भाई जो गुलाबवाड़ी चौल के मालिक है? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, जिस औरत का चंद्रू ने खून किया है वो अंबावाड़ी चौल में रहती थी, और गुलाबवाड़ी चौल के भी लोग उसी तरीके से गायब हो रहे हैं जैसे अंबावाड़ी चौल के लोग। गुलाबवाड़ी, अंबावाड़ी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये सारे गुनाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंबावाड़ी, गुलाबवाड़ी, दर्शन सेठ, राहुल और संगीता। चलो जरा इनसे मिलते हैं जीविका महिला आश्रम में। ये संगीता अपने कमरे में ही है चेतन जी? मेघा, संगीता जाग रही है? जी हाँ, वो तो राहुल को कमरे में सुला रही है। आइए सर। संगीता, संगीता, एम्बुलेंस, जल्दी से जीविका महिला आश्रम पहुंचो, जल्दी। जा बच्चे को बांध ले। कुछ नहीं हुआ है बेटे, मेहका तुम राहुल को अपने कमरे में लेकर जाओ। मम्मी उठो ना।
मम्मी रोना। आइए आप इधर आइए बेटा। इसकी भी मौत जहर से हुई है और चंद्रू की भी। इसके हाथ में ये दवाई थी? दवाई में जहर तो नहीं? जहर दवाई समझ के खा ली? संगीता की दवाइयां तो मेहका देती है। मेहका? राहुल उसके हाथ में पकड़ो उसे। राहुल, राहुल रुक जाइए। राहुल को लेकर जाओ। आ जाओ बेटा। क्या हुआ? कैसी है संगीता? बहुत सारे खूनी देखे मैंने, पर ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करने के बाद भी पूछ रही है कि मौत हुई कि नहीं। मैंने किसी का खून नहीं किया। खूनी की आंखें देखकर ही सीआईडी वाले पहचान जाते हैं कि खूनी सच बोल रहा है या झूठ। मैं मजबूर थी, ये गुनाह मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। कोई किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने संगीता को जहर नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा। किसने किसने कहा था? नाम नहीं जानती मैं उसका। 5 फीट 8 इंच लंबा, सांवला रंग, घुंघराले बाल, थोड़े लंबे, आंखें छोटी और मुझे थोड़ी लंबी है उसकी। ये था वो? यही यही जिसने मेरे हाथों इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक बच्चे को अनाथ कर दिया मैंने। कब मिला था तुमको ये? कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी। कल सुबह? मतलब ये चपतिया गायब नहीं है, खुला घूम रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे कहा था ना कि अपनी जुबान पे ताला लगा के रख। जितना ज्यादा बोलेगा उतना तेरी जान पे खतरा मंडराता रहेगा। तुम लोगों ने जो बोला मैंने किया। नलिनी ताई को मरवाया, संगीता को भी मरवा दिया। अगर और किसी को मरवाना है तो बोलो, मगर मेरे साथ ऐसा सुलूम मत करो। उन दोनों को मारकर तूने हम पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे तेरे काम की अच्छी खासी कीमत मिली है और अब वक्त आ गया हिसाब का, आखिरी किस्त का। आखिरी किस्त? हाँ आखिरी किस्त। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम उसी को मरवाने की सोच रहे हो? नहीं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.